ड्यूब 250 के अंदर अगर हम हमारा डीबी किलर हटा दें तो कैसी आवाज आएगी। तो आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी बिना एक्सपेरिमेंट करे और आवाज सुनना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए। लॉकडाउन के अंदर तो अभी लॉकडाउन सिचुएशन चल रही है, आई होप आप लोग भी अभी घर पे होंगे, मैं भी घर पे हूँ 20 से 25 दिन से। ऑलराइट, तो आप लोगों को पता होगा अपन ने 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले अपन ने 390 एडवेंचर ली थी, और एडवेंचर लेने के बाद ही अपन ने क्या किया था ना, उसके अंदर ड्यूक 250 और जो 390 नेकेड वर्जन जो उसका एग्जॉस्ट आता है वो अपन ने अपनी बाइक में इंस्टॉल किया था और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बट थोड़े दिन के लिए उस एग्जॉस्ट को हटा दिया क्योंकि मेरे को उस पे जो पेंट वगैरह कराना है उस पे स्क्रैचेज आ रखे हैं, इसलिए मैंने उसको अभी रिमूव कर दिया और जो स्टॉक एग्जॉस्ट आता था 390 एडवेंचर में वो वापस लगा दिया। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आप लोगों का मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन पे ऑल कर सकते हो जिससे आपको सारी वीडियो की अपडेट्स मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम पे मेरे को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आज का जो वीडियो का जो पर्पज होने वाला है वो ये होने वाला है कि कई लोगों का दिमाग में ड्यूब 250 के अंदर अगर हम हमारा डीबी किलर हटा दें तो कैसी आवाज आएगी। तो आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी बिना एक्सपेरिमेंट करे और आवाज सुनना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है क्योंकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि अगर आप डीबी किलर अपने स्टॉक एग्जॉस्ट से हटाते हो तो कैसा साउंड आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि मैं उसका डीबी किलर अपन ने हटवा के लगाया था 390 एडवेंचर और काफी बेसी साउंड आ रहा था, और आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप लोगों को क्या करना है ना, पता ना, वीडियो को लाइक तो कर ही देना और कमेंट कर देना, और लगता है कि आपको किसी दोस्त के साथ वो वीडियो शेयर करना चाहिए तो वो भी जरूर कर सकते हो। हम लोग स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ है ड्यूक 250 के अंदर, उसको पहले हटाएंगे, फिर हमारा जो डीबी किलर हटाया हुआ जो एग्जॉस्ट था उसको सर उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे और आपको आवाज सुनाएंगे। तो लेट्स बिगिन। तो ये वो वाला एग्जॉस्ट है जो अपन ने 390 एडवेंचर के अंदर लगाया था, और इसका डिब्बी किलर यहाँ से अपन ने रिमूव कर दिया था, तो आप वीडियो जाके चेक कर सकते हो, अपन ने पहले यूट्यूब पे बनाया है। और ये वाला स्टॉक एग्जॉस्ट है जिसका अभी डिब्बी किलर इसमें लगा हुआ है, तो लेट्स सी कैसा साउंड आता है। पहले इसको स्टार्ट करें एक बार, तो ये राहुल की बाइक है तो यही बताएगा कि इसको कैसी लग रही है इसकी आवाज। तो अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि हमने जो 390 एडवेंचर में लगाया था तो ये जो क्लिप बनाई थी उसकी एक्स्ट्रा
उसको फिट करने के लिए। तो अभी इसमें फिटिंग नहीं हो रही, लेकिन आवाज़ तो सुन ही सकते हैं अपन। यहाँ से बोर्ड लगा इसके, हाँ पता, यहाँ से ना इस पर कपड़ा लगा, निकाल। तो थोड़ा बहुत सेटअप वेटअप कर लिया जुगाड़ करके हम लोगों ने। तो अभी दिखा कैसी आवाज आ रही है। वाह, थोड़ी सी बस यहाँ से लीक है, बाकी आवाज तो सही आ रही है। कपड़ा लगा। लगाएगा ना तो आवाज जो यहाँ से आ रही है बंद हो जाएगी, तो सीधी यहीं से सुनाई देगा फिर। देखो ही ना, बस पकड़ ले एक बार, सुना कैसी आवाज, रुक बंद कर। तेरे को कुछ फर्क लग रहा है क्या? क्या फर्क लग रहा है? अच्छा सही, बढ़िया बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। जा एक बार चला के आ, आवाज सुनते हैं कैसी आ रही है। सही, मतलब कि अगर ये इसके अंदर थोड़े दिन लगा रहेगा ना तो क्या होगा ना, कार्बन सेट हो जाएगा और अच्छा अच्छी आवाज आएगी। क्या हुआ? वो डीबी किलर ना हटा दिया हम, तो तेरे वाले में लगा हुआ है इसलिए तेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ बंद करना। आई होप अब आप लोग जज कर सकते हो कि कौन सा एग्जॉस्ट बढ़िया है, स्टॉक या फिर आप डीबी किलर हटा दोगे। तो यूजुअली क्या होता है ना, जिन लोगों के पास ड्यूक 250 या 390 ड्यूक है, वो लोग सोचते हैं कि इसका हम लोग एग्जॉस्ट चेंज करा लें। तो एग्जॉस्ट चेंज कराने से बेटर है आप इसका डीबी किलर रिमूव कर दो, क्योंकि आप रेप्लिका एग्जॉस्ट लगाओगे इंजन पे काफी हार्म पहुंचेगा। इससे बेटर आप ये डीबी किलर हटा लो तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप रेप्लिका एग्जॉस्ट लगाओगे तो फर्क इंजन जल्दी काम मांगेगा। तो अभी क्या करना है ना, अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आए तो पता नहीं क्या कर सकते, मैंने एडवेंचर के अंदर फिट किया हुआ था ये और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो यार इट्स बेटर ना कि आप एक जुगाड़ कर लो। और हाँ एक और चीज बता रहा था, अभी जो साउंड आ रहा है ना इसके अंदर, इसका कार्बन सेट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये बाइक चलेगी, बाइक इस एग्जॉस्ट के साथ चलेगी ना, जितने ज्यादा किलोमीटर करेगी उतना काफी अच्छा साउंड हो जाएगा और हल्का हल्का बेस आएगा और काफी मजा आएगा। मैंने चलाई हुई है बाइक, सो मेरे एक दोस्त है दिव्यांशु भाई, उनके बाइक के अंदर ऐसा ही कुछ काम हुआ हुआ है, उन्होंने अपना डीबी किलर हटाया हुआ, उस दिन से मैंने सोच लिया था इस पर वीडियो बनाना। तो बनते होप आप लोगों की वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो पता नहीं क्या करना है, लाइक तो करके जाना है। और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मुझे पता है वीडियो काफी शॉर्ट है लेकिन अभी मैं लॉकडाउन में इधर उधर जा नहीं सकता। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय, राइट सी। Thank you.